अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, आदाब। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जनता दल सेक्युलर के हमारे लीडर HD कुमारस्वामी साहब गुलिस्तान 40 दिनों से कर्नाटक स्टेट के अंदर पंचरत्न यात्रा जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जा रहे हैं, और जनता दल सेक्युलर का ये जो मैनिफेस्टो है और 5 पॉइंट प्रोग्राम है जिसे पंचरत्न का नाम दिया गया, जिसमें हेल्थ सेक्टर में हर ग्राम पंचायत लेवल में 30-बेडेड हॉस्पिटल की बात की गई, एजुकेशन के अंदर हर ग्राम पंचायत लेवल के अंदर बेहतरीन स्कूल्स, हर जोन के अंदर बेहतरीन स्कूल्स, क्वालिटी स्कूल्स जो है जहां पे हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, और एम्पावरमेंट जो है तो एम्प्लॉयमेंट का है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर यूथ्स को नौकरियां देने की और औरतों को ख़वातीन को नौकरियां देने के जो प्रोग्राम है ज़्यादा से ज़्यादा फराहम कराने की, और हर गरीब शख्स को कर्नाटका के हर गरीब शख्स को जिसके पास घर नहीं है उस शख्स को घर मुहैया करवाने का वायदा उसमें किया गया, और किसानों को उनके खेती बाड़ी के लिए जो ज़रूरियात के यूरिया है और उनका जो फसल है उस फसल को सही दाम पहुंचाने के लिए एक वायदा जनता दल सेक्युलर ये 5 एजेंडा लेकर के आवाम के बीच में जा रही है। आज इस पंचरत्न प्रोग्राम का जो है गुलबर्गा शहर के अंदर, खुसूसी गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर कुमार अन्ना ने मुझे यहाँ पर टाइम दिया है, 13 तारीख को बरोज़ जुमा नगरेश्वर स्कूल पे जो है 4 बजे के वक्त में वो पहुँचेंगे। वहाँ पे एक अजीमशान रैली जुलूस निकलेगा, वहाँ से 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स ऑटोस लोग रहेंगे, कल्चरल ग्रुप्स रहेंगे, उस ग्रुप को हुमनाबाद बेस तक पहुँच करके वहाँ पर मोमिनपुरा के अंदर खुनियालावा मस्जिद से लेकर के मुस्लिम चौक पर वो रैली वहाँ तक पहुँचेगी, और मुस्लिम चौक पर एक ग्रैंड पब्लिक मीटिंग जलसा वहाँ पर मुनक्कत किया गया है। तो इसी ज़िमन में मैं आप तमाम सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए अवामुन्नास से अपील करना चाहता हूँ कि 2022 के इस इलेक्शन 23 के इस इलेक्शन के आगाज़ का सबसे बड़ा प्रोग्राम ये है, और इस प्रोग्राम को आवाम के बीच तक पहुंचने के लिए, हमारी पार्टी के इस एजेंडे को आम करने के लिए, इस प्रोग्राम को एक तारीखी प्रोग्राम बनाने के लिए गुलबर्गा शहर के जितने आवाम फ़िक्रमंद है कि यहाँ पर गुलबर्गा शहर में एक मज़बूत क़यादत हो, मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इस रैली के अंदर और इस पब्लिक मीटिंग के अंदर शिरकत करें, और साथ ही साथ हमारी ख़वातीन माएँ और बहनें गुलबर्गा की जितने ज़्यादा से ज़्यादा हैं, क्योंकि गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर ख़वातीन का अपना एक अहम रोल रहा है गुलबर्गा की सियासी तारीख में। आज जनता दल सेकुलर हमारे लीडर कुमार स्वामी साहब का एक एजेंडा भी है कि जितने ये जो संघ के हमारे ख़वातीन हैं जो मुसलसिल तौर पर संघ के लोन्स के अंदर जो तकलीफ़ में हैं, यहाँ पर जनता दल सेकुलर संघ के जो लोन्स हैं उस लोन को माफ़ करने का ऐलान भी इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गा के मुस्लिम चौक पे करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि नया साल का ये पहला प्रोग्राम गुलबर्गा शहर के तारीख में एक इतिहास बनेगा, और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में जिस इत्तेहाद का सबूत हमेशा देते आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अवाम, शहर के ज़िम्मेदार ताजीर बिजनेसमैन, हमारे कुरेश बिरादर के ज़िम्मेदार, बागवान बिरादर के ज़िम्मेदार, तमाम शोबे के लोग अपने अपने ग्रुप्स को मना करके यहाँ पर इस प्रोग्राम में आएँ, और HD कुमार स्वामी साहब की इस कोशिश को, इस काविशों को पूरा करने के लिए उनकी हिम्मत अफजाई करें, और साथ ही साथ
आपके भाई नासिर हुसैन उस्ताद की भी हिम्मत अफजाई के लिए मैं अपील करता हूँ कि इस तारीखी प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ कर के ये साबित करें कि आपका ये भाई जो मुसलसिल तौर पर आपके बीच में रहा है, आपके लिए आवाज़ उठाता रहा है, एक तड़प को लेकर के सामाजिक ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में जो मैं मौजूद हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि गुलबर्गा की आवाम मेरे इन काविशों को, मेरी इन कोशिशों को, मेरी इस तड़प को नज़रअंदाज नहीं करेगी और इफ्तदाई इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गुलबर्गा की आवाम आ करके इस प्रोग्राम को एक तारीखी प्रोग्राम बनाएगी इंशाल्लाह। मुस्लिम चौक पर क्या टाइम एग्जैक्ट है? मुस्लिम चौक पर इंशाल्लाह 6 बजे 6 o'clock शार्प प्रोग्राम स्टार्ट होगा। 1 घंटे का ये प्रोग्राम रहेगा। 7 बजे कुमार स्वामी साहब वहाँ से निकल जाएंगे किसी सूरत में, क्योंकि उनका हैदराबाद से फ्लाइट है और 14 तारीख को बेंगलुरु में एक इम्पॉर्टेंट 100 जर्नलिस्ट का एक प्रोग्राम जो है प्लान हुआ है 1 महीना पहले, और उसी दिन उनके हमारे त्यौहार भी है हिंदू भाइयों का, जो संक्रांति का जो त्यौहार है, इसीलिए उस सुबह में वहाँ जा करके पूजा कर करके उस प्रोग्राम को एडिट करना है। इसीलिए यहाँ पर गुलबर्गा मुस्लिम चौक से किसी हाल में 7 बजे वो यहाँ से रवाना होते हैं। यात्रा प्रोग्राम में आपने भी कई जगह पर गए हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पब्लिक का रुझान क्या है GDS के लिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज के इस मौजूदा सियासी हालात में, जबकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमानों को दूर करने के लिए जिस तरीके से एजेंडा मुसलसिल तौर पर इन गुज़िश्ता 8 महीनों से, चाहे वो हलाल कट झटका कट से मामला लीजिए, अजान का मामला लीजिए, मुसलसिल तौर पर आवाम में एक फ़िरका वाराना माहौल बन जाए और हिंदू मुसलमानों में एक दूरी बरकरार हो, इस तरीके से माहौल बनाती आ रही है, कोई डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर नहीं आ रहे हैं, और कर्नाटक की आवाम और सेकुलर जहन रखने वाले आवाम ये बखूबी देख चुकी है और समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कम्युनल एजेंडे को अगर कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो जनता दल सेकुलर और हमारे लीडर HD कुमार स्वामी साहब हैं। नासिर हुसैन उस्ताद ने भी जब जब भी ज़रूरी समझा है अपने आप को उनके खिलाफ पेश किया है, ये जगह है। और सर्व जनांगज शांति तोटा कर्नाटका जिसे कहा जाता है, तमाम मज़हब के लोगों को जहाँ पर अमन का गहवारा जिसे कहा गया है, कुवेंपु साहब ने कहा था, उस स्लोगन को लेकर के भी जनता दल सेकुलर ने अवाम के बीच में गए हैं। तो ये एजेंडा अपनी तरफ है, ये जो हमारे पंचरत्न का जो एजेंडा है, ये एजेंडा अवाम के तकलीफ को समझकर जो जेन्युइन इश्यूज हैं, उन जेन्युइन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो है इस पंचरत्न का कॉन्सेप्ट जो तैयार किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं कि बहुत शानदार रिस्पॉन्स कर्नाटका के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, खुसूसी तौर पर गरीब आवाम, नौजवान, खवातीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शुमाल में HD कुमार स्वामी साहब ने पंज यात्रा का कर्नाटक में अभियान चलाया है, उसी की एक कड़ी 13 जनवरी 2023 को नगरेश्वर स्कूल से हमनाबाद चौरास्ता से होते हुए खुनियाला से मुस्लिम चौक पहुंचेगी। वहाँ पर एक बड़े अजीम उशान जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया है। हम गुलबर्गा की अवाम से मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि सियासी हालात के पेश नज़र इस रैली में कसीर तादाद में शरीक होकर रैली को और जलसे को कामयाब बनाएं।